यूजिंग माय लकी बैच। कमेंट करके मुझे जरूर बताना ऑरेंज कैप और पर्पल कैप कौन से प्लेयर जीतने वाले हैं आईपीएल में। ये इंडिया खेल रखा है भाई अंडर 19। हमारी टीम 24 रन पे ऑल आउट। तू कीपिंग कर रहा है? यस 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 यस। Hey guys, welcome back to another vlog of Cricket Cardio. I hope आप सभी अच्छे होंगे। भाई सुबह 6 बजे के आसपास मैं उठ गया था और अभी 6:30 टाइम हो रहा है और आज का मैच भाई हमारा 7 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। हमारा मैच होने वाला है लोटस क्रिकेट ग्राउंड में। अभी आई बटन पे लिंक भी आ रहे होंगे भाई, इस ग्राउंड में काफी मैचेस खेले हैं और जो भाई हमारी फॉर्म खराब हो गई थी वो इस ग्राउंड में हमने रन स्कोर करे थे और उसके बाद हमारी फॉर्म वापस आई थी, आपके क्रिकेट कार्डियो की फॉर्म वापस आई थी। बाकी यार जो भी लोग सोच रहे हैं आज अलग ही जगह पे मैं इंट्रो शूट कर रहा हूँ भाई, क्या है कुछ गेस्ट आ रखे हैं मेरे घर पे और जो मेरा रूम है उन गेस्ट को दे दिया गया है। हमेशा भाई ऐसा ही होता है, जो भी सबसे छोटा होता है उसको अपना रूम देना पड़ता है, इसलिए हमारे रूम में हमारे गेस्ट सो रहे हैं और भाई किट हमारी वहां पे रखी हुई है और जो हमारा फेवरेट लकी बैट है वो भी ठीक होके आ गया है। भाई वो कैसे ठीक हुआ है, कितने बैंड उसमें लगे हैं, कितने रुपए में वो ठीक हुआ है, आज का व्लॉग लास्ट तक जरूर देखना, सब कुछ आपको नजर आ जाएगा। और भाई आज मैं लकी बैट से ही खेलने वाला हूँ, देखते हैं आज हमारे रन लगेंगे या फिर नहीं। लास्ट मैच तो आप सभी ने देखा होगा यार, अंकित भाई के साथ हमने मैच खेला था और वो भाई 0 रन पे मैं आउट हो गया था। देखते हैं आज हमारा लकी बैट, लकी हथियार हमारा आ चुका है। और बाकी भाई आईपीएल स्टार्ट हो चुका है, आप सबने देखा ही होगा और भाई ऋतुराज क्या ही तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं। मुझे तो लग रहा है ऑरेंज कैप इस बार ऋतुराज ही लेने वाले हैं। आप सबको कौन लग रहा है ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, कौन से 2 प्लेयर लेने वाले हैं मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। ये लो भाई हम आ चुके हैं ग्राउंड में। भाई एक चीज दिखाना चाहूंगा, ये वाली बिल्डिंग देख लो, आपको क्लियर दिख रही होगी, ये वाली देखो भाई, यहाँ पे ना बादल आ रखा है भाई, इतने नीचे बादल होते हैं यहाँ पे देख लो। सन आ रहा है यार थोड़ा सा, वहां से निकल तो रहा है, बाकी बहुत ज्यादा ओस है यार, दिखा देता हूँ आप सबको। ये देख लो, ये रहा बैट हमारा ठीक होके आ चुका है और अभी भैया टॉस करने जा रहे हैं। कैप्टन टॉस जीत के आंख बंद करके बल्लेबाजी, बैट हाथ में बैटिंग ही लेंगे, बाकी देखते हैं विकेट कैसी है। विकेट जब तक गीली नहीं हुए तब तक हम बैटिंग लेंगे। विकेट यार गीला है भाई और हम टॉस हार गए और हमारी आई है पहले बैटिंग। बीच बीच में जो पैचेस है ना आप सबको नजर आ ही रहे होंगे, ऐसे टाइम पे हमारी टीम तो टॉस हार ही जाती है। टॉस और मैच इतने हार रहे ना आजकल, देखते हैं आज पूरा जीजा लगा देंगे। बैटिंग हमारी फर्स्ट है, अब मैं आप सबको बैट दिखाता हूँ, बैट कहाँ कहाँ कितने क्या बैंड लगे हैं। देखो यार ये रहा हमारा SGKLR एक्सट्रीम, बैंड दिखा देता हूँ सबसे पहले, ये रहे 2 बैंड लगे हैं यहाँ पे, ये जो आपको नजर आ रहा होगा ये थोड़ी सी वुड छील दी है, यहाँ पे मैंने टेप लगा रखी थी वो टेप हटाते हुए हट गई होगी, ये यहाँ से टूटा था आप सबको याद होगा। अभी आई बटन पे लिंक भी आ रहा होगा, जिसने भी नहीं देखा है बैट कहाँ से टूटा था उस वाले मैंने व्लॉग में दिखाया है। और नीचे से देख लो ये थोड़ा मतलब फेविकॉल जो भी वो लगाते हैं, देखते हैं कितना क्या चलेगा आज, इसे यूज किया जाए नहीं किया जाए एक बार मैं बॉल भिड़ा के देखूंगा, इससे अगर अच्छा फील हो रहा होगा तो इसी बैट से खेलेंगे। 6 एंड आउट से मैंने ठीक कराया और 350 रुपीज लिए भाई इन 2 बैंड के और इस टेप के, अब देखते हैं बैट कैसा चलेगा। भाई भैया करते हुए रोल, देख लो भाई इलेक्ट्रिक वाला रोलर है ये हमारी टीम की बैटिंग, लेट्स गो। चलो खेलना भैया शाबाश। लड़के बढ़िया लगा रही हो लड़के।
क्या हाल है मोनू? तो भाइयों 3 विकेट गिर चुके हैं यहाँ पे और रन हमारे कम ही है यार, 40 कुछ हैं, आपको अभी नज़र आ रहे होंगे। और हम ले आए अपना पुराना पैच, देखिए मोस्टली गूगली फेंक रहा, नहीं तो सीधे हाथ से पकड़ के तेज फेंक ये वाली। ये दूर वाला पुश मत करियो, बस यहाँ से एक एक डन डालता रहा, अभी ये थोड़ा मेरे टाइप का एंड है, मेरे को ठीक है तो एक देता रहा। ठीक है खेलना, ठीक है थोड़ी देर खेलेंगे अपने बने। लेग, गुड कैच भैया, पहली बार कत्ती की वहां तक आवाज आई थी। आ जा कैच, भागे भागे, एक और देख, चौका दिया, हाँ यार ओवर हो गया। ये एरिया जनरली भी अच्छा है तो ये पुश मत करियो ऐसे जोर से, यहाँ से एक डॉट भी रोकेगा, हाँ एक रन बहुत इजी बना हुआ। अभी तेरा ये एंड नहीं है यार, लेग लूप पे मिले तेरी मर्जी, ये तो थोड़ी देर खेल इधर। ये वाला एंड गाइस थोड़ा सा गीला है, ये हमारा पार्टनर समझा रहा है, इसमें बैट थ्रो नहीं करना हमें, यूजिंग माई ओल्ड लकी बैट। आजा आजा, देखिए देखिए देखिए, आजा 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 आजा, आजा एक और चेक करिए, एक और सिंगल है, चलो टैग करो। यस 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 यस, पेरेंट पे स्लो फेंक रहा, तेज वाली सीधे हाथ से फेंक रहा। ठीक है अभी सेंड से देखते हैं भाई, एक दो बॉल, 10 ओवर बचे हैं, 10 ओवर, 64 रन्स, 3 विकेट। लास्ट टाइम लेग स्पिनर पे आउट हुए थे, वो गलती दोबारा नहीं करनी, दिमाग में रहना चाहिए। चलो स्टार्ट लेके रखेंगे, बॉलिंग यार। ये भी रुक गई ना, इधर से भी रुक गई। अच्छा देख 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 देख, यस यस यस, इजी इजी इजी, दो तीन सात, 3 में 7 खेलता रहा। आगे हमारे दूसरे एंड पे, ये इंडिया खेल रखा है भाई अंडर 19, तो भाई को एक्सपीरियंस है, डीडी से खेल रहा है, गाइड करते रहना। बहुत यार, एक बाउंड्री आ गई थी, एक सिंगल लेके अपने पार्टनर को दे दिया, वो भी रोटेट करेगा स्ट्राइक। यस, अच्छा साउंड आ रहा है बैट से,
कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लग ही नहीं रहा टूटा है। प्लेसमेंट गलत होगी। देखियो 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 थोड़ा रिस्की था, ठीक है हाथ वाला रहने दूंगा। आजा दे दा। वो देख हो गया। आजा आजा आजा। शॉट यार। क्या फेंक दिया उसने। भाई तो इतना अनप्रेडिक्टेबल फेंक रहे हैं, कभी तेज ये सीधा लगती है। आजा आजा इधर आ गया था, खेलिए पूरा 100 आ जाएगी। अरे यार ये कैसे मिस हो गया, छक्के वाली बॉल थी और मैंने सफल भी कर दिया था विकेट के सामने। वेल प्लेड यार, बढ़िया बढ़िया की बढ़िया बॉल सही है, सही किया था। हां एलबी था, हां सफल कर गया था मैं उस साइड। ये बुला के वापस ना भेज दे मेरे को। शिवम आउट नहीं होना बेटा। तू कीपिंग कर रहा है? यस। तो भाई यो एक इनिंग हो चुकी है ख़त्म। आज भाई आपका भाई विकेट कीपिंग कर रहा है, तो विकेट कीपिंग का व्यू भी आप सबको देखने को मिलेगा। और हमारी टीम का स्कोर बताऊं तो 157 रन हमारी टीम ने स्कोर करे हैं 8 विकेट के नुकसान पे। और जब मैं आउट हुआ था 145 कुछ था स्कोर, और मैं एलबी हो गया था यार, ऑफ साइड थोड़ा शफल करके लेग साइड की तरफ शॉट मारने का मिस हो गया यार, वरना छक्के वाली बॉल थी वो। और पैड पे खाली LBW आउट। 19 बॉल में 28 रन कुछ है मेरे, और बाकी अब आ चुके हैं हम बॉलिंग करने, तो देखते हैं दूसरी टीम 158 का टारगेट है चेस कर पाती है या फिर नहीं। भाई विकेट ना सही बताऊं 150 रन इस विकेट पे भाई 200 रन के हैं। अब जैसा कि आप सबने देखा होगा 145 पे 4 विकेट हुए थे जब मैं आउट हुआ था, 145 रन थे, उसके बाद सिर्फ हमारे 10 रन बने 3 ओवर में। बहुत मुश्किल है भाई, जो भी नया आ रहा था उसके लिए खेलना ऐसी विकेट्स पे बहुत मुश्किल है बैटिंग, तो वही है सिचुएशन के हिसाब से। और आज भाई एक चीज़ से मैं सरप्राइज्ड हूँ, आज सिर्फ मैंने 2 डॉट बॉल खेली है, एक तो जिस पे आउट हुआ वो डॉट बॉल, और एक और डॉट बॉल खेली थी मैंने। ओहो रुकी रुकी, अरे फील्ड है भैया, लगा दे बैटिंग बैटिंग, मत 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 कैच। ओ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ट्राइड है। Ah, he's gone. कुछ नहीं है ऐसे। पिच देर ये तेरे को स्विंग क्यों करानी है? पिच इतनी सुपर पिच है तेरे लिए। यही तो टेस्ट करानी है। थोड़ी सी पीछे डाल अपना भेज जाएगा सब। बहुत उस पे देख। यहाँ से उठ गई और ना डायरेक्ट ही थी। चार रन। कैच, इजी कैच,
यही हो रहा है बैठ फेंगे शाबाश शाबाश फील गुड वन चलो वो तो क्या घूमगी भाई। इसी के साथ 3 विकेट गिरते हुए वही पैच ही रहा जो हमारे बैटिंग के टाइम था वही पैच कैच फर्स्ट बॉल विकेट 4 विकेट इसी के साथ मार रहे जा रहे हैं सेंसिबल बात सुन नहीं है कोई ऐसा लग रहा है वन साइड पेल दिए जाएंगे 100 रन भी नहीं बनेंगे। चलो चलो वन मोर कमिंग नवीन भैया हैट्रिक मजा ले रहा है सुपर कीपिंग है तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड वाली बात थी बहुत ही अच्छी स्टंपिंग बिल्कुल मिली सेकंड का टाइम था भाई उस टाइम तो और उसमें भी स्टंप हो गए भैया बाहर थे इधर कौन फील्डर पीछे है पीछे कोई नहीं है भैया 1 2 3 4 5 आ जा मार 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 बैटिंग मार भैया अब ओवर नहीं मिलने वाला नहीं है पूरा नॉट आउट कैच अरे फील्ड है भैया अरे फील्ड है भैया ढाबा लड़के क्या निकाली है चड्डू वाली यस 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 तेज फेंकेगा ना वो एक आधी पैच गिरेगी तो बहुत फंस के आएगी पिछली वाली तो ऐसी निकली। एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा हेलमेट पहनने के बाद बॉल साइट नहीं होती है मुश्किल होता है बट जैसे ही शॉट है आपको फर्स्ट रिफ्लेक्स होना चाहिए जहाँ पे बॉल गई ऊपर ऊपर देखना जैसे आप ऊपर देखोगे आपको कहीं ना कहीं बॉल साइट हो जाएगी और फिर उसको फॉलो करना है बस। और बहुत सारे कीपर ये गलती करते हैं भाई प्रैक्टिस नहीं करते हैं हाई कैचेस की सिर्फ फील्डर्स प्रैक्टिस करते हैं बट विकेट कीपर्स को भी उतनी ज़रूरत है हाई कैचिंग करने की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही इम्प्रूव होते जाओगे। 3 विकेट्स लेफ्ट फील्ड रोकिए रोकिए आर्यन मार बैटिंग अरे बैटिंग देता कैच ओ यार कैच है यार वही डाल दी लास्ट वाली देख रहे हो भाई बैटिंग करना कितना मुश्किल था ऐसी विकेट में बिल्कुल उसी पैच पे गिरा ये ज्यादा थे डाल दी तो भाई ये मैच हो चुका है खत्म ये देखो भाई हमारा ग्रुप मोनू भाई के क्या हाल है बड़े टाइम बाद प्रैक्टिस कहीं करने चल रहे हो देखते हैं एक दो वीक में 12th के बोर्ड जो है आपके कैसे हुए हैं बढ़िया गए हैं भाई बढ़िया 80 एक्सपेक्टेशन है सारे मिला के नहीं एक पेपर की पूछ रहा हूँ भाई ये बताओ आप सारे लोग ऑरेंज कैप और पर्पल कैप कौन से प्लेयर लग रहे हैं भाई मेरे हिसाब से केएल राहुल भाई ऑरेंज कैप मेरा है केएल राहुल केएल राहुल देखो अगर किसी को व्हाइट कैप चाहिए मेरे घर में कॉर्नर ले जाएगा सर क्या कॉर्नर और पर्पल कैप क्या लग रहा है राशिद खान ले आएगा राशिद खान कुलदीप यादव मुझे फास्ट बॉलर लग रहा है कोई और मैच कैसा लगा ये तो बताओ हमारा मैच मजा आ गया ना क्या कितना फाइटिंग मैच हुआ
क्या मतलब भाई लास्ट बॉल तक मैच बिल्कुल इतना क्लोज मैच चला गया कि हम 103 रन से मैच जीत गए हैं T20 का। 158 रन का टारगेट दिया था हमने, बनाए थे 157 रन 8 विकेट के नुकसान पे, और दूसरी टीम भाई 54 रन पे ऑल आउट हो गई। भाई स्कूल में एक बार हुआ था हमारी टीम 24 रन पे ऑल आउट हुई थी। इतना बुरा मैच में हो रखी है, एक रन तीन विकेट थे। तो भाई आज के मैच के लिए इतना ही था। कीपिंग करते हुए मैंने एक तो स्टंपिंग करी और एक कैच लिया, आप सबको नजर आ ही होगा। दूसरी टीम हल्की थी यार, बहुत ज्यादा हल्की थी, कोई बैट्समैन मतलब अच्छे खेलने वाले नहीं थे। और सही बताओ ना, 157 रन काफी ज्यादा थे इस विकेट के ऊपर, कभी बहुत ज्यादा राइज हो रही थी, कभी बिल्कुल रुक के आ रही थी, वो पैचेस थे बीच बीच में, आप सबको कैमरे में तो नजर आए ही होंगे। बैटिंग में सिर्फ और सिर्फ दो डॉट बॉल खेली आज के मैच में, एक पे तो मैं आउट ही हुआ, वो वाली डॉट बॉल काउंट हुई है, और एक और डॉट बॉल मैंने खेली थी। तो ऐसे विकेट पे भले ही स्ट्रगल कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल डबल नहीं रोकना, टैप करो अपना सिंगल भाग, टैप करो सिंगल, टैप करो सिंगल, स्ट्राइक रोटेट करी मैंने। और ये छोटी सी टिप थी आज के ब्लॉग के लिए, आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताना ऑरेंज कैप और पर्पल कैप कौन से प्लेयर जीतने वाले हैं आईपीएल में, और हमारा बैट तो आप सबने देख ही लिया होगा कैसे क्या ठीक हुआ है, आज मजे आए वैसे। और अब भाई यहाँ पे मैच चल रहा है एक, और भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ये ब्लॉग देख रहे हो तो मेरा वाला ब्लॉग आ चुका है जिसमें गगन भाई की बहुत ज्यादा पिटाई हुई है, उसको जाके देखें। मेरी नहीं हुई, कमेंट में बता देंगे किसकी हुई है, कमेंट में बता देंगे। भाई इसके वाला ब्लॉग जाके देख लेना, हमने हेलमेट वाला गेम खेला है, वो जो हेलमेट में मारते हैं पीछे से और गेस करना होता है, बहुत मजे आए थे भाई। भाई आपको मिलेंगे जल्दी एक और नए ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, एज ऑलवेज टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।